हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम रिया। सो आज हम करेंगे योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ, पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए। सो हम करेंगे योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। सो आ जाइए अपनी मैट पर और यहाँ पे हम बैठेंगे सुखासना में। दैट मींस क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, बोथ पाम्स अपनी नीज पर रखते हुए हाथ हमारे रहेंगे ज्ञान मुद्रा पोजीशन में, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे हम करेंगे 20 राउंड्स ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल, नोज से ही करेंगे मेक श्योर। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थोड़े थोड़े मूवमेंट, स्टार्ट विद द नेक मूवमेंट। तो रोटेट करेंगे अपनी नेक को क्लॉक वाइज 10 टाइम्स। इनहेल करते हुए सर को ऊपर लेकर जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए सर को नीचे लेकर आएंगे। तो इसको भी हम रिपीट करेंगे 20 टाइम्स। मेक श्योर आप अपनी ब्रेथ पे पूरा ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर रोटेशन। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज शोल्डर को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स। एंड देन उसके बाद हमें फिर से एंटी क्लॉक वाइज अपोजिट डायरेक्शन में अपने शोल्डर्स को मूव करना है। इनहेल करते हुए शोल्डर्स ऊपर जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए शोल्डर्स नीचे आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्विस्ट। तो हम लेफ्ट आर्म अपना मैट पे रखेंगे एंड लिफ्ट करेंगे राइट हैंड अप। इनहेल अप एंड एक्सहेल, टर्न टू योर लेफ्ट साइड। होल्ड करेंगे इस पोजिशन में 20 सेकेंड्स। देन रिपीट इट टू द अदर साइड। फिर से होल्ड करेंगे इस पोजिशन में 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम बैठेंगे क्रॉस लेग पोजिशन में। धीरे धीरे हम अपने हैंड्स को एक्सटेंड करेंगे, जितना आगे आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए ऑन योर फिंगर टिप्स। एंड धीरे से नीचे देखना है। होल्ड करेंगे हम इस पोजिशन को 20 सेकेंड्स। आप दूसरी ओर भी इसको कर सकते हैं। हैंड्स को धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाएं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। देन लुक डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल यहाँ पे नॉर्मल चलेगा। यहाँ पे मैं बताऊँगी हमें स्ट्रेस क्यों होता है। बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम पर्टिकुलर आसनास को होल्ड करते हैं 10 to 20 seconds अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। एंड यहाँ पे हम धीरे धीरे एल्बो को नीचे रखते हुए अपना हेड डाउन करने का ट्राई करेंगे। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी एंड जस्ट रिलैक्स हेयर। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट बी इन प्रेजेंट। अब हम अपने लेग एक्सटेंड करके बैठ जाएंगे। इसमें हम राइट नी बैंड करेंगे, इसको रखेंगे लेफ्ट थाई पे एंड दोनों अपने पाम्स अंडर योर नी रखना है, लेफ्ट नी के अंडर। धीरे से हम ऊपर की ओर इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल लुक डाउन। पोस्चर को होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स। यहाँ से हम वक्र आसना करेंगे, हमारा जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग की ओर शिफ्ट होगा एंड बैंड करेंगे अपना लेफ्ट लेग लाइक दिस। अब हम लेफ्ट हैंड को राइट लेग के नी के आगे की ओर रखेंगे एंड प्लेस करेंगे राइट हैंड टू द बैक साइड। स्टे करेंगे पोजिशन में 20 सेकेंड्स। आपकी बैक इसमें बहुत अच्छे से ट्विस्ट होगी एंड इसको हम प्रैक्टिस करेंगे ऑन द अदर साइड। फिर से एक्सटेंड योर लेग्स, लेफ्ट लेग आएगा राइट थाई पे एंड बोथ पाम्स अंडर योर राइट नी। होल्ड करेंगे यहाँ पे 20 सेकेंड्स। देन इसके बाद होल्ड करते हुए 20 सेकेंड्स, उसके बाद हमें वक्रासना करना है। जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग की ओर आ जाएगा। देन ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड। अगेन इस पोजिशन में होल्ड करेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रॉग पोज। तो इसमें क्या करना है, अपने नीज को एक्सटेंड कर लेना है। 3 to 4 feet गैप रखेंगे बिटवीन योर नीज एंड एल्बो ऑन द मैट एंड धीरे से हम सामने देखेंगे। इसमें आपको इनर थाइज में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अगर आप लेग को और एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड इट इज़ अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर योर हिप एरिया, फॉर योर इनर थाइज। नाउ द नेक्स्ट आसना इज शशांक आसना। दिस इज़ द बेस्ट आसना फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड स्ट्रेस रिलीफ। इसमें हम अपना क्राउन ऑफ द हेड मैट पर रखेंगे
हैंड्स हमारे जाएंगे पीछे की ओर, नीज के थोड़ा सा आगे, एंड इस पोजिशन में हम होल्ड करेंगे 20 seconds. यू विल फील रियली अमेजिंग इन दिस पॉस्चर. होल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है. एंड द नेक्स्ट इज हमारा है पपी पोज. इसमें हमारी चेस्ट भी लाइक ओपन होता है, आर्म्स भी हमारी ओपन रहती हैं. इसमें धीरे से हम नीचे की ओर जाएंगे, ट्राई करेंगे हमारा चेस्ट एंड चिन टच हो मैट पे एंड होल्ड. नाउ द नेक्स्ट इज थ्रेड द नीडल, टेक योर लेफ्ट हैंड इनसाइड द चेस्ट एंड राइट हैंड को लिफ्ट करेंगे ऊपर. होल्ड 20 seconds, देन अपोजिट साइड सेम पोजिशन अगेन. होल्ड 20 seconds. ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रहेगी. एंड इसके बाद हम आ जाएंगे अपने कोबरा पोज पे, जिसे हम भुजंग आसना भी कहते हैं. बोथ नीज ऑन द मैट, टोज ऑन द मैट, एंड प्लेस करेंगे बोथ एल्बोज मैट पे. एंड लुक अप, ऊपर देखते हुए होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 20 seconds. होल्ड करने के बाद हम डायनेमिक मूवमेंट्स करेंगे. लेफ़्ट टू राइट देखना है, जितना पीछे देख सकते हैं, पीछे वाली वॉल को देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे अपना. एंड डू इट फॉर 20 rounds. नाउ द नेक्स्ट इज माउंटेन पोज, पर्वत आसना में आना है. धीरे धीरे अपने नीज को मूव करेंगे एटलीस्ट 10 to 15 rounds. एंड इसके बाद हम ट्राई टू लिफ्ट योर राइट लेग अप. इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 20 seconds. नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी इसमें. होल्ड इट फॉर 20 seconds. देन इसके बाद हम अपना राइट लेग आगे की ओर लेकर जाते हुए इसको बैंड करेंगे. लेफ़्ट लेग पीछे आप देख सकते हैं स्ट्रेट है, या फिर आपका बैंड भी होगा तो चलेगा, इट्स ओके बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम. बोथ पाम्स ऑन द मैट एंड ट्राई टू लुक अप. होल्ड करेंगे इस पोजिशन में 20 सेकेंड. एंड इसके बाद हमारे दोनों हाथ आगे की ओर जाएंगे, जितना आगे आप लेकर जा सकते हैं. लुक डाउन, एल्बो प्लेस करेंगे मैट पे, लुक डाउन एंड रिलैक्स हियर. कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे, जस्ट रिलैक्स. नाउ प्रैक्टिस द सेम फ्लो ऑन द अपोजिट साइड. नी बैंड करते हुए 10 to 15 counts. लिफ्ट करेंगे अपना लेफ्ट लेग अप. होल्ड करेंगे हम इसको 10 to 15 seconds. एंड इसके बाद हम आ जाएंगे अपने कपोतासना पे, पीजन पोज. लेफ्ट लेग को आगे ले जाते हुए उसको बैंड करेंगे. बैंड द फ्रंट नी एंड स्ट्रेटन द बैक लेग. धीरे धीरे हम ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन में 20 seconds. देन इसके बाद हम धीरे धीरे अपने हैंड को एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड एंड लुक डाउन. देन द थर्ड स्टेप इज प्लेस योर एल्बो ऑन द मैट एंड रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स हियर. अब यहाँ पे बैंड करेंगे अपना फ्रंट नी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एंड लिफ्ट करेंगे लेफ्ट लेग. होल्ड करेंगे इस पोजिशन में फॉर 20 seconds. एंड इसके बाद हम आएंगे लिजर्ड पोज पे. इसमें कीप योर फ्रंट लेग फॉरवर्ड एंड बैक लेग स्ट्रेट. प्लेस योर बैक नी ऑन द मैट एंड बोथ एल्बोज ऑन द मैट. स्टे करेंगे इस पोजिशन में 20 seconds. यू विल फील द अमेजिंग स्ट्रेच ऑन योर हिप एरिया, बिकॉज हिप में भी हमारे बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए हमें हिप ओपनिंग आसना करने पड़ेंगे. अभी इसको हम दूसरी साइड भी करेंगे, सेम चीज़, लिफ्ट द बैक लेग एंड होल्ड. अब यहाँ पे हम आ जाएंगे फिर से लिजर्ड पोज में. दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेच फॉर योर हिप टू रिलीज द स्टिफनेस एंड टेंशन. अब हम करेंगे अपनी स्पाइन ट्विस्ट, जो हमारे बैक की टेंशन को रिलीज करता है, स्टिफनेस को कम करता है एंड पेन को रिड्यूस करता है. तो हम दोनों नीज को हम टच करेंगे मैट पे लेफ्ट टू राइट. इनहेल करते हुए दोनों नीज अप एंड एक्सहेल करते हुए दोनों नीज डाउन. द नेक्स्ट इज फिगर फोर स्ट्रेच. इसमें हम धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लाएंगे चेस्ट के साइड. होल्ड करेंगे इसको 20 seconds. देन सेम थिंग हमें अपोजिट साइड करनी है. लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखते हुए होल्ड करेंगे इसको 20 seconds. आई होप आप यहाँ तक आ चुके हैं एंड यू आर फीलिंग रियली स्ट्रेस फ्री
अब हम आ जाते हैं अपने बाल आसना पे, दोनों लेग उठाते हुए दोनों हाथों को हम या तो आप टोस पे पकड़ सकते हो, टोस पे पकड़िए, अदरवाइज प्लेस या बोथ पाम्स ऑन योर हील्स। धीरे धीरे हम इधर से उधर थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट करेंगे। सो यहाँ पे एक और आसना आ गया हमारा, इसमें लेफ्ट नी को राइट नी की साइड रखते हुए अपोजिट साइड में देखना है। दिस इज़ ऑल्सो स्पाइन ट्विस्टिंग। इसमें हमारी बैक को बहुत अच्छा फील होता है। एंड जस्ट टर्न टू योर अपोजिट साइड, सेम थिंग, प्लेस योर लेफ्ट नी टू योर राइट साइड एंड लुक अपोजिट, होल्ड इट फॉर 20 seconds। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने मोस्ट फेवरेट आसना शवासना पे। यहाँ पे आपको एकदम बहुत अच्छा फील होने वाला है। जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचना है, बॉडी को एकदम खुला छोड़ देना है। होल्ड करेंगे 20 seconds एटलीस्ट, मिनिमम टाइम है, 1 minute भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डू। देन रोल ऑन टू योर राइट साइड, सिट इन कम्फर्टेबल पोजिशन, रब योर पाम्स, पुट इट ऑन योर फेस एंड वी आर रेडी फॉर द डे। ओके बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।